अनुसूचित जाति समन्वय झारखंड प्रदेश की ओर से राजधानी रांची के राजभवन के समीप मां धरना आयोजित की गई। इस धरना में अनुसूचित जाति समाज के 21 उपजाति के सभी लोग उपस्थित रहे और यह मां धरना झारखंड सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति के आरक्षण एवं कार्य एवं नीतियों के खिलाफ रहा। बता दें कि धरने के समर्थन में आए भाजपा नेता समरी लाल का कहना है कि इस महाधरने के माध्यम से झारखंड सरकार और कांग्रेसियों को यह चेतावनी देना चाहते हैं कि दलितों के साथ इस तरह का अत्याचार नहीं करें। आज के युवा वर्ग अपने हक और अधिकार के लिए हर संघर्ष करने को तैयार हैं। हम इस धरना के माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं कांग्रेसियों को, विशेषकर हेमंत सोरेन को, कि हम दलितों के साथ इस तरह से अन्याय मत करो रे भाई। ये कांग्रेसी आज से ही नहीं, जब से भारत में कांग्रेस सरकार आई उस समय से, चाहे वो नेहरू जी का जमाना हो, इंदिरा जी का जमाना हो, राजीव गांधी का जमाना हो, हमेशा दलित परिवार को दबाया। आपने देखा 77 की 78 की घटना आपको मालूम है, जब जगजीवन राम का प्रस्ताव आने को था कि भारत के प्रधानमंत्री, जब चरण सिंह जब हट गए थे, चौधरी चरण सिंह, तो बाबा साहेब का नाम प्रधानमंत्री के लिए आना था, ये कांग्रेसी लोग सब समर्थन वापस ले लिया कि एक दलित का बेटा कैसे बैठेगा, प्रधानमंत्री कैसे बनेगा। उसके बाद आप आइए बिहार में, जब हमारे नेता रामविलास पासवान थे उनके साथ भी अन्याय। झारखंड में आप देखिए, अब जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने किसी दलित के समाज के बेटा को नेता प्रतिपक्ष बनाया, अमर बावरी जी को, इन लोग को रास नहीं आ रहा कि वो क्यों बोलता है। परसों जब उनकी बात नहीं सुनोगे, उन्होंने अपनी बात को, जो मेरा बोलने का अधिकार है उस पर जब वो बोले, तो यहाँ की जो सरकार के इशारे पर विधानसभा के अध्यक्ष ने उनके ऊपर कमेंट्स किया। हम ये कहना चाहते हैं कि कब तक इस तरह से चलेगा। अनुसूचित जनजाति जो हमारी समाज के ऊपर सेवा करती है और उसके बदले में इस तरह से प्रताड़ना मिलता है, तो लोगों को मालूम होना चाहिए कि अब ज़माना बदल गया। अब नौजवान साथी अपने हक हकूक के लिए हर संघर्ष करने के लिए तैयार है, और जब तक हमारा आरक्षण बहाल नहीं होगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। आज के इस महाधरना के कार्यक्रम में विधानसभा के अध्यक्ष भी है, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी आएगा तो दलित